प्रधानमंत्री मोदी ने 13 अक्टूबर 2021 को एक ऐसे प्लान को लॉन्च किया जिससे उनका ये दावा है कि हम कुछ ही सालों में चाइना जैसे दुनिया के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग जायंट को हरा देंगे और उसकी जगह ले लेंगे। पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान, 21वीं सदी के भारत को गतिशक्ति देगा। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। दूसरा दावा, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड फेस इट, डेवलप्ड कंट्रीज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडियन रोड सक, इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सक्स, और जब तक हम हमारी खामियां नहीं समझेंगे तो हम ग्रो कैसे कर पाएंगे। आज सारे डेवलप्ड नेशंस इंक्लूडिंग कंट्रीज लाइक चाइना का इंफ्रा कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन इंडियन रोड्स की अगर बात करें तो मैं मुंबई में रहता हूं और घर से बाहर निकलो तो 100 पॉटहोल्स और हजारों गाड़ियां जिससे होने वाले घंटों का ट्रैफिक जैम। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटी प्लानिंग वन ऑफ द पुअरेस्ट इन द वर्ल्ड है। बट अगेन, दावा है कि पीएम गतिशक्ति इस प्रॉब्लम को जड़ से फिक्स कर देगा और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास लेवल का बना देगा। इनफैक्ट इस प्लान का तो दूसरा ही नाम पीएम गतिशक्ति इंफ्रास्ट्रक्चरल मास्टर प्लान है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गतिशक्ति मिलेगी। तीसरा दावा, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप जानते ही होंगे कि इंडिया में अपनी एक कंपनी एस्टैब्लिश करना कितना बड़ा टास्क है। मैं खुद दो स्टार्टअप्स का फाउंडर हूं और मेरे काफी सारे एंटरप्रेन्योर दोस्त हैं, सो ट्रस्ट मी ऑन दैट, इट कैन बी रियली वेरी ब्यूरोक्रेटिक। कंपनी कहां और कैसे खोलनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, किस डिपार्टमेंट से अप्रूवल्स लेना है और कितना टैक्स भरना है, सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करने में ही कमर टूट जाती है। बट अगेन, दावा है कि पीएम गतिशक्ति प्लान के बाद से इंडिया में बिजनेस खोलना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको इन सारे सवालों का हल इसी प्लान में मिल जाएगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हो, इसके लिए ये गतिशक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। So is it truly going to be a big game changer for India? Well, असलियत में जिस गति शक्ति योजना के ऊपर गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े दावे कर रही है, वो गति शक्ति तो बस एक मैप बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यानी कि गूगल मैप जैसा एक ऐप। तो अब सवाल यह आता है कि ये इतने टॉल क्लेम्स गवर्नमेंट आखिर कैसे पूरा करेगी? क्या ये प्रैक्टिकल भी है या बस हवा हवाई बातें हैं? क्या इस एक प्लान से इंडिया चाइना को वाकई में हरा पाएगा या ये बस एक इलेक्शन प्रोपोगंडा है, जैसे पहले भी बहुत बार कहा गया है कि मुंबई को शांघाई बना देंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वेल, इसके लिए ना हमें सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि इसके प्रैक्टिकलिटी को एकदम अनबायस्ड और रैशनल नजरों से देखना होगा। किस प्लान का विजन क्या है, ये प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी हो पाएगा कि नहीं, अगर हाँ तो कैसे, और वो कौन सी स्ट्रैटेजीज है जो प्रपोज किए गए हैं जिससे रूट लेवल पर इंडिया के बिजनेस सेक्टर और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाए। सो चलो, लेट्स फाइंड इट आउट। एंड आई हाईली रिकमेंड फ्रेंड्स, जो भी बिजनेस कर रहा है या करना चाहता है वो तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें, क्योंकि इसमें हम आम भारतीयों को गतिशक्ति कैसे फायदा देगा ये तो समझेंगे ही, बट इससे बिजनेसेस को क्या यूनिक बेनिफिट्स मिलेंगे इसे भी हम डिटेल में समझेंगे। अब पीएम गतिशक्ति को समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्यों इंडिया अब तक ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाया इन द फर्स्ट प्लेस। वो कौन से प्रॉब्लम्स है जिस वजह से अब तक इंडिया में बिजनेस करना या एक कंपनी खोलना बहुत ही डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू सम अदर कंट्री लाइक अमेरिका। सो वेल, इसके पीछे ना दो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है बिजनेस सेटअप करने का प्रॉब्लम। बेसिकली अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप चालू करना चाहते हो या सोच रहे हो तो आपके आगे ये चार मेजर चैलेंजेस आएंगे ही। चैलेंज नंबर वन, फाइंडिंग टैक्स फ्री जोन्स, यानी अपने बिजनेस के लिए SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को ढूंढना, यानी वो गवर्नमेंटली डेवलप्ड और प्रिविलेज्ड एरियाज जहां पर बिजनेस स्टार्ट करने पर सपोर्टिंग फैसिलिटीज मिलते हैं। फैसिलिटीज लाइक 5 साल तक फ्री टैक्स, सब्सिडाइज्ड रेंट और इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा के बेनिफिट्स। चैलेंज नंबर टू, लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी। ये फाइंड आउट करना भी काफी चैलेंजिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है कि एक पोटेंशियल बिजनेस लोकेशन रॉ मटेरियल लाने और फिनिश गुड्स को डिलीवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा रूट से कनेक्टेड है या नहीं। चैलेंज नंबर थ्री, लाइसेंसिंग एंड क्लियरेंस। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको कौन से लाइसेंसेस और क्लियरेंसेस लेने हैं उसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स अंडर वन रूफ अवेलेबल हो,
जो कि अब तक नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में अब तक ये प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं किया गया। आज इंडिया में 232 SEZ यानी टैक्स फ्री जोन्स है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें से 50% ऐसे ही खाली पड़े हुए, कोई कंपनी यहां पर आना ही नहीं चाहती है। और रीजन मेजरली सिर्फ एक, लैक ऑफ कनेक्टिविटी। एक एग्जांपल से आपको समझता हूं, इजीली समझ में आएगा। सो ये एरिया है बोईसर, इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई का लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल सबर्ब। एंड एज यू कैन क्लियरली सी, ये क्लस्टर सिर्फ और सिर्फ लोकल रोड से ही कनेक्टेड है। रेलवे कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो वो सिर्फ इस एक सिंगल रेलवे लाइन से ही कनेक्टेड है। और एयरपोर्ट तो छोड़ ही दो, नियरेस्ट एयरपोर्ट है सांता क्रूज में, जहां तक सामान पहुंचाने में इजीली 3 घंटे लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक। सो अब बस सोचो, अगर मुंबई जैसी इकोनॉमिक राजधानी के इस वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल सबर्ब्स का ये हाल है, तो बाकी एरियाज का तो आप इमेजिन कर ही सकते हो। सो बेसिकली इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से क्या चीज सबसे ज्यादा रोक रही है, इसे अगर एक लाइन में सम अप करें तो इसका जवाब है लैक ऑफ कनेक्टिविटी। जिस प्रॉब्लम को ही गतिशक्ति एक मैप पोर्टल कैसे सॉल्व करेगा, अब समझते हैं। चैलेंज नंबर 4, लैक ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैलेंज, कनेक्टिविटी के अलावा भी बिजनेस डेवलपमेंट स्पेशली स्टार्टअप्स में एक मेजर चैलेंज होता है। 98% स्टार्टअप शुरुआत के 5 सालों में फेल हो जाने के पीछे एक मेजर रीजन है लैक ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस। एक वेबसाइट या ई कॉमर्स स्टोर होना किसी भी बिजनेस के लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, ये आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है। लेकिन ज्यादातर फाउंडर्स इसीलिए ऑनलाइन नहीं जा पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि ई कॉमर्स स्टोर बनाना काफी डिफिकल्ट काम है, जिसमें बहुत पैसे लगते हैं और कोडिंग और टेक्निकल स्किल्स आनी चाहिए, वरना ये काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज का जमाना कंप्लीटली बदल गया है। हमारे पास आज ऐसे तक प्लेटफॉर्म्स है जिससे आप अपने लिए एक ई कॉमर्स स्टोर तक बना सकते हो, वो भी विद जीरो कोडिंग नॉलेज। चलो मैं ही अभी आपको सिर्फ 5 मिनट में एक ई कॉमर्स स्टोर बना के बताता हूँ, एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ आप इसे बिल्कुल फ्री में बना सकते हो। सो सबसे पहले आपको उडू पे जाकर ई कॉमर्स सिलेक्ट करना है और फिर बस 4 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ऑनलाइन पिज्जा सेल करना है तो मैंने वो सिलेक्ट कर लिया। सेकंड, कलर पैलेट से एक ऑप्शन चूज कर लो या फिर अपने लोगो से ही कलर पैलेट डिटेक्ट करवा लो। थर्ड स्टेप, आपको जो भी पेजेस और फीचर्स चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। फोर्थ स्टेप, उडू सामने से आपको 3 AI generated themes प्रेजेंट करेगा, जिसमें से आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी एक थीम को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने ये वाला किया क्योंकि ये थोड़ा कूल लग रहा है। अब आपके ई कॉमर्स वेबसाइट में हर एक चीज कस्टमाइजेबल है। चलो होम पेज के लिए सबसे पहले मैं कुछ अच्छे इमेजेस को ऐड कर देता हूं और फिर उसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करके उसका कलर चेंज कर देते हैं। फिर नीचे मैं चाहता हूं कि कस्टमर कोट सेक्शन हो, तो यहां साइड पैनल से मैंने ये कोट्स वाला ब्लॉक ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। और फिर मे बी एक सेक्शन होना चाहिए जो स्टेप्स ऑफ परचेजिंग अ पिज्जा बताए, तो मैंने ये स्टेप्स वाला ब्लॉक भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। सो चलो होम पेज रेडी। अब ऐड करते हैं प्रोडक्ट्स। सो इसके लिए न्यू पे जाना है और फिर प्रोडक्ट्स पे, और उसका नाम प्राइस मेंशन करना है। फिर प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करना है और उनके बेसिक डिटेल्स लिख देने हैं। ऑल्सो इस पेज में भी होम पेज जैसे ही ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और टेक्स्ट कस्टमाइजेबल है। और बस फिर प्रोडक्ट पेज भी डन। ऐसे जितने चाहे उतने प्रोडक्ट्स ऐड करके मैं मेरा ई कॉमर्स स्टोर बना सकता हूँ। बेसिकली उडू इज 101% कस्टमाइजेबल, प्लस इस पर आपको मिलेगा एक फ्री कस्टम डोमेन फॉर फुल 1 ईयर और अनलिमिटेड होस्टिंग विद कस्टमर सपोर्ट फॉर लाइफ, जो किसी भी बिजनेस के लिए एक गेम चेंजर है। तो ई कॉमर्स स्टोर बनाना तो आपको आ गया, लेकिन अगर आप एक कंपनी चला रहे हो तो आपको वेबसाइट के अलावा कितनी सारी चीजों पर ध्यान देना है। सेल्स, फाइनेंस, इन्वेंटरी एंड मैन्युफैक्चरिंग, HR, मार्केटिंग, सर्विस, प्रोडक्टिविटी एटसेट्रा। अब ऑफ कोर्स इन सभी चीजों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर है, लेकिन अगर ये सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन अंडर वन रूफ मिल जाए तो well, that is also possible with Udoo, क्योंकि ये एक enterprise resource planning software है जो इन सारे चीजों का टेंशन आपके सर से हटा देगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि you can always try their first app for free, हमेशा के लिए, वो भी बिना कोई क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाले। और उडू की फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आगे भी कभी अपने प्लान को मॉडिफाई कर सकते हो, एप्स को ऐड कर सकते हो और आप उनके ईयरली और मंथली प्लान्स भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर आप अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू चेक आउट उडू। ये एक ब्रिलियंट बिजनेस सोल्यूशन है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और अब लौट आते हैं वापस से हमारे वीडियो पर। अब फ्रेंड्स, बिफोर वी मूव ऑन टू द सेकेंड मेजर प्रॉब्लम, मैं आपसे एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ। डिड यू नो कॉपीकैट चाइना ने 1977 में इंडिया से ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स SEZ बनाने का आइडिया को चुराया था और इसी आइडिया को अपना के इंडिया के बजाय वो आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है।
जबकि इंडिया आज भी स्ट्रगल कर रहा है। और इसके पीछे का रीजन सिर्फ एक है, वो है बेहतर एग्जीक्यूशन। और इसीलिए आई पर्सनली हेट करप्ट गवर्नमेंट। पहली बड़ी गलती, आज तक हमारे इंडिया में सारे SEZs अनप्लान्ड रहे, सिर्फ वोट बैंक के हिसाब से बनाए गए, ना कि एक्चुअल पर्पस के लिए। ना ही कोई कनेक्टिविटी देखी गई और ना ही कोई उससे होता देश का फायदा देखा गया। बेसिकली ऐसे समझ लो, एक नेता ने बोला कि मैं जॉब्स जनरेट करूंगा और अपना प्रॉमिस फुलफिल करने के लिए उसने एक पर्टिकुलर एरिया को SEZ डिक्लेयर कर दिया, बट इन रियलिटी वहां पर तो कोई कंपनी आई ही नहीं। और दूसरी मेजर गलती जहां पर हमारा SEZ का प्लान फेल हुआ, वो था प्लेन करप्शन। आप गूगल पे ही SEZ करप्शन सर्च कर लो, आपको कितने ही नेताओं के नाम मिल जाएंगे जिन्होंने SEZ डिक्लेयर किया और वहां पर कंस्ट्रक्शन करने के नाम पर भ्रष्टाचार किया। एनीवे, अब बात करते हैं दूसरे मेजर प्रॉब्लम की जो हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से रोक रही है, और वो है गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज के बीच लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखो, इसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। इंडिया में ऐसा कई बार होता है कि एक लैंड पर अगर रोड बनाने का काम हो रहा है तो उसे रोड मिनिस्ट्री करवाती है, राइट? उसके बाद समझ लो उसी सेम रोड पर ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाने होते हैं तो उसे टेलीकॉम मिनिस्ट्री बिछाती है, तो वो लोग भी आकर सेम रोड को डिग कर देते हैं और अपना काम करके निकल जाते हैं। फिर रोड मिनिस्ट्री वापस से उस रोड को नया बनाती है, बट फिर जल शक्ति मिनिस्ट्री को याद आता है कि रोड में तो वाटर पाइपलाइंस डालने, अगेन उन्होंने भी रोड को डिग किया, और उसके बाद एक बार फिर से रोड मिनिस्ट्री आएगी और वापस पूरा रोड बनाएगी, और फिर समझ लो उस एरिया में ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो वापस से यही डू अंडू रीडो का साइकिल ऐसे ही कितने बार चलते रहता है, जिससे ऑफ कोर्स रोड की क्वालिटी तो खराब होती है, प्लस बार बार खुदाई के वजह से जो ट्रांसपोर्ट जाम होता है उसका क्या, लोग लिटरली खून के आंसू रोते हैं कि यार जब देखो रोड पे खुदाई चालू रहती है, और प्लस उसी सेम रोड को बनाने में गवर्नमेंट का 4 गुना पैसा भी तो वेस्ट हो रहा है। और फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया में काफी आम बात है, आपने खुद अपने ही रोड्स को कितने बार खुद कर वापस बनते हुए देखा हो। एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। 2021 में बेंगलुरु सिटी में 250 रोड एक्सीडेंट्स हुए, और इन एक्सीडेंट्स की वजह थी बेकार रोड क्वालिटी और पॉट होल्स, जिन्हें फिक्स करने की जिम्मेदारी थी BBMP यानी वहां के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। पर जब BBMP पर सवाल उठे तो उन्होंने सारा ब्लेम रोड कॉन्ट्रैक्टर्स पर डाल दिया। बट क्या सच में इन एक्सीडेंट्स की वजह सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स है? क्योंकि वहीं के कॉन्ट्रैक्टर मंजूनाथ ने बताया कि बेंगलुरु की रोड क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए टाइमली इंस्पेक्शंस होते रहते हैं, बट रोड्स के खराब होने और पॉटहोल्स बनने की 2 मेजर वजह, पहली वजह तो हैवी रेनफॉल है और दूसरी ऑप्टिकल फाइबर केबल कंपनीज और BBMP और बाकी गवर्नमेंट बॉडीज का बार बार आकर उन्हीं रोड को खोदना, यानी एब्सोल्यूट लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिस वजह से इतने रोड एक्सीडेंट्स तक हो रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली यही मिस कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम इंडिया के ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ से साउथ हर जगह प्रेजेंट है। नॉर्थ में लखनऊ, देन तुरुची, पुणे, और यहां तक कि इंडिया के कैपिटल दिल्ली में भी। सो अब सवाल ये आता है कि गति शक्ति इसे सॉल्व कैसे करेगा। वेल, आइए समझते हैं इस मैप बेस्ड पोर्टल का प्रॉब्लम सॉल्विंग फॉर्मूला। सो सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज को अपने मैप बेस्ड पोर्टल से जोड़ेगा, यानी कि सारी की सारी मिनिस्ट्री एक ही साथ होगी और हर एक मिनिस्ट्री को हर वक्त ये पता होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री क्या काम कर रही है। इससे मिनिस्ट्रीज के बीच में प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को लेकर प्रोटोकॉल सेट किए जाएंगे, और अल्टीमेटली गोल यही होगा कि एक ही प्रोजेक्ट को डू अंडू रीडू ना किया जाए। अब इसे और डिटेल में एग्जांपल्स के साथ हम आगे समझेंगे, बट सबसे पहले आइए समझ लेते हैं कि गति शक्ति कैसे बिजनेसेस की ये 3 मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और इंडिया को पोटेंशियली चाइना से बेहतर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा। तो पहली प्रॉब्लम जिसके बारे में हमने बात किया था, टैक्स फ्री जोन्स की प्रॉब्लम। So, एक बिजनेस के लिए उसके इनिशियल फेज में कैपिटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जैसे हमने पहले जाना था SEZ में 5 साल के लिए 0 taxes होते हैं और प्लस सब्सिडीज भी मिलती है, तो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम हो जाता है, और इसीलिए राइट SEZ एरियाज को ढूंढने में आपकी मदद करेगा PM गति शक्ति पोर्टल, जिसपे जाकर आपके डिजायर्ड लोकेशन पर जहां आपको बिजनेस स्टार्ट करना है उस एग्जैक्ट स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और तालुका का सिलेक्शन कर सकते हो। फर्दर इस पर आपको आपकी जरूरत के हिसाब आपसे लैंड रिक्वायरमेंट यानी कितनी बड़ी लैंड चाहिए इसे फिल करने का तक ऑप्शन मिलेगा, और ये रिक्वायरमेंट भरते ही आपके सामने वो सारे टैक्स फ्री एरियाज हाईलाइट हो जाएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करते हैं।
अब ऑफ कोर्स बिजनेस के लिए सिर्फ लैंड ही काफी नहीं है, उसके बाद आ जाता है सेकंड चैलेंज जो है लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी का चैलेंज, और तभी आप रॉ मटेरियल ला पाओगे और फिनिश प्रोडक्ट्स को मार्केट तक आसानी से पहुंचा पाओगे। अगेन गतिशक्ति पोर्टल आपकी इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, जहां पर आप सिलेक्टेड एसईसी एरिया में कौन कौन सी कनेक्टिविटी और सर्विसेज अवेलेबल है ये क्लियरली देख पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेशनल और स्टेट हाईवे से आपका सिलेक्टेड बिजनेस लोकेशन कितना दूर है, और वहां पर इलेक्ट्रिक लाइन्स, वाटर बॉडीज और पेट्रोलियम पाइपलाइंस की अवेलेबिलिटी कितनी दूर है। और एक बार आपके ये दोनों चैलेंजेस क्लियर हो गए, देन आपके स्टार्टअप का तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस और क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स पाना, ये भी गतिशक्ति पोर्टल के थ्रू आप पहले ही जान जाओगे कि आपको आपके पर्टिकुलर बिजनेस के लिए किस डिपार्टमेंट से कौन सा लाइसेंस और क्लियरेंस निकलवाना है। एंड दिस इन माय ओपिनियन सबसे फ्रस्ट्रेटिंग स्टेप होता है। सो कहां पर बिजनेस स्टार्ट करना है, उन एरियाज में कौन सी सर्विसेज है, कनेक्टिविटी कैसी है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन से लाइसेंसेस चाहिए, हर स्टेप गति शक्ति से आपके लिए इजी हो जाता है। अब ऑब्वियसली ये पोर्टल जब लॉन्च होगा तो एक इनिशियल स्टेज में लॉन्च होगा, और फिर आगे जाकर इस पर एवोल्यूशन और अपडेशन भी होगा। और इस पोर्टल का गोल बस यही रहने वाला है कि बिजनेसमैन को, चाहे वो एक छोटे ही शेयर का क्यों ना हो, उसे जितना हो सके राइट डेटा, एनालिटिक्स और इंफॉर्मेशन से एम्पावर किया जाए, ताकि उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत ही इजी हो जाए और बिजनेस स्टार्ट और स्केल करने में कोई रेजिस्टेंस ना आए। बिकॉज यही एंटरप्रेन्योर्स तो भविष्य में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे और भारत के इकोनॉमी को बढ़ाएंगे। सो अब बिजनेस सेक्टर से हटते हुए आइए समझते हैं कि गतिशक्ति पैन इंडिया लेवल पर लैक ऑफ कनेक्टिविटी और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। तो देखो, अब तक ना इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए 5 मिनिस्ट्रीज अपने अपने लेवल पर प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। जैसे सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये करंटली फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही है जो इंडिया के मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब्स को रेलवे के थ्रू जोड़ेगा। सेकंड है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसका एक्सक्लूसिव फोकस है भारतमाला परियोजना, जो प्रोजेक्ट एक बार पूरा हो गया तो इंडिया के सारे मैन्युफैक्चरिंग हब्स को एक हाईवे कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जिससे ट्रांसपोर्ट जो की लाइफलाइन है टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। थर्ड मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स। इनका 2015 में शुरू हुआ सागरमाला प्रोग्राम इंडिया में पोर्ट लेड डेवलपमेंट कर रहा है, जो माइनर पोर्ट्स को मेजर पोर्ट से कनेक्ट करेगा और मेजर पोर्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग हब से, क्योंकि करंटली सिचुएशन ऐसी है कि छोटी फ्रेट शिप्स और बड़ी फ्रेट शिप्स दोनों मेजर पोर्ट्स पर ही अपने गुड्स को अनलोड करती है, जिससे शिप्स का वेटिंग टाइम बढ़ जाता है। बट ये प्रोजेक्ट पूरा होने से फ्रेट ट्रैफिक कम हो जाएगा और इवेंचुअली लॉजिस्टिकल कनेक्टिविटी और बढ़ जाएगी। फोर्थ मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये करंटली उड़ान प्रोग्राम पे काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट के मेन गोल्स है रीजनल एविएशन मार्केट का डेवलपमेंट और अफोर्डेबल एविएशन, जो इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल भी हो और इससे गुड्स फास्ट डिलीवर हो। और आखिर में फिफ्थ मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये मिनिस्ट्री स्पेशली एसईजी एरियाज को डेवलप कर रही है, जो बाकी सारे मिनिस्ट्री के करंट प्रोजेक्ट से लिंक्ड है। सो इन मिनिस्ट्रीज के मेजर ऑब्जेक्टिव से आपको पैन इंडिया लेवल पर हर मिनिस्ट्री लॉजिस्टिकल डेवलपमेंट के लिए क्या काम कर रही है ये पता चल जाता है। बट इसीलिए ही तो अब और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन रहे। हमें हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क पर फोकस करना है, जिसमें ही पीएम गतिशक्ति प्लान मदद करेगा। इस पोर्टल पर गवर्नमेंट की सारी मिनिस्ट्रीज एक साथ होगी, जिससे उन्हें पहले से ही पता होगा कि किस डिपार्टमेंट में कौन से प्रोडक्ट्स करंटली चल रहे हैं और क्या उन प्रोजेक्ट्स में कहीं पर भी ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं। इससे सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन होगा, जिससे स्मार्ट वर्क बढ़ेगा, हार्ड वर्क नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर भी रोड बनने का काम शुरू होने वाला है तो पहले ही टेलीकॉम मिनिस्ट्री और जल शक्ति मिनिस्ट्री आकर अपना काम कर लेगी, जिससे फिर एक बार रोड बनने के बाद फिर से उसे डिग करने और बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फ्रेंड्स, पीएम गतिशक्ति प्रोजेक्ट पर सिर्फ ऑन पेपर ही बात नहीं हो रही है, बट ग्राउंड लेवल पर भी ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है मुंबई का जेएनपीटी पोर्ट। ये है जेएनपीटी पोर्ट का ओल्ड मैप। कनेक्टिविटी के नाम पर इस पोर्ट के पास सिर्फ रोडवे कनेक्शन था। किसी भी सामान को रेलवे तक पहुंचाना एक बड़ा टास्क था, क्योंकि लोकल्स भी वही सेम रोड यूज करते थे और रेलवे स्टेशन 12 किलोमीटर दूर था। और पेरिशेबल गुड्स, जिनके लिए इंस्टेंट डिलीवरी नीडेड है, ऐसे गुड्स के लिए तो दूर दूर तक कोई एविएशन कनेक्टिविटी ही नहीं थी। तो अब होना क्या है, रॉ मटेरियल्स जब पोर्ट से ही फैक्ट्रीज तक टाइम पर नहीं पहुंचेंगे तो इंडिया खाक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। बट गतिशक्ति ने जेएनपीटी का मैप पूरी तरह से बदल दिया। इस पोर्टल के थ्रू सारी मिनिस्ट्री साथ आई और उन्होंने प्लान आउट किया कि कैसे कोलैबोरेटिवली इस प्रोजेक्ट पर वर्क करके वो इस एरिया को डेवलप कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट, जेएनपीटी के मैप का सबसे पहला चेंज, डायरेक्ट रेलवे कनेक्शन।
यानी भारी कंटेनर्स को बाय रोड 12 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने की कोई टेंशन नहीं। और अब ये रेलवे रूट JNPT को जसाई रोड से होते हुए वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर तक कनेक्टिविटी दे देगा। गति शक्ति के चलते अब JNPT सिर्फ लोकल रोड से ही नहीं, दो स्टेट हाईवे और एक नेशनल हाईवे से भी कनेक्टेड है। और हाँ, JNPT ऑलरेडी एक मेजर पोर्ट था और इसीलिए गति शक्ति ने इस पोर्ट को सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा, जिससे अब ये मेजर पोर्ट कई माइनर पोर्ट से कनेक्टेड हो गया है। एंड मोर ओवर, पेरिशेबल गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए अब इस पोर्ट के पास एविएशन भी अवेलेबल है। DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पोर्ट से लगभग बस 15 किलोमीटर की दूरी पर है, इससे होगा ये, JNPT से बाय रेलवे गुड्स एयरपोर्ट के नियर बाय स्टेशन पर पहुंचेंगे और वहां से बाय रोड एयरपोर्ट तक, और एयरपोर्ट से कुछ ही घंटों में गुड्स इंडिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएंगे। सो अब जब JNPT के पास रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एविएशन, ये चारों तरह की कनेक्टिविटी मौजूद है, तो इसका एक एक्चुअल स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनना काफी ऑब्वियस हो जाता है। और यही एग्जैक्टली हुआ भी। इन सारी कनेक्टिविटीज और सर्विसेज को देखने के बाद कॉमर्स मिनिस्ट्री ने JNPT के 5 किलोमीटर रेडियस वाले पूरे एरिया को SEZ डिक्लेयर कर दिया, जिससे JNPT में करंटली ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा जैसी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी खड़ी हो चुकी है, जो टैक्स फ्री ट्रेड का पूरा फायदा उठा रही है। एंड यस, JNPT को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में फुल कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। सो बिल्कुल ऐसे ही गति शक्ति प्रोजेक्ट इंडिया में और भी मैन्युफैक्चरिंग हब्स बनाने की प्लानिंग कर रहा है, जिससे इन द नियर फ्यूचर इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर पोजिशन हो सकता है। सो मेरी राय में ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है और प्रैक्टिकली भी ये एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब स्ट्रेटेजिकली जिस तरीके से प्लानिंग ले की गई है, जो टैक्टिक्स डेवलप किए गए हैं, जो प्रैक्टिकलिटी देखी गई है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, मुझे लगता है दिस इज वेरी मच प्रैक्टिकल और इस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। रिजल्ट्स भी हमें कई जगहों पर दिखाई दे रहे हैं। बट क्या सिर्फ इस पॉलिसी की वजह से इंडिया चाइना को टक्कर देकर उसे बीट कर पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करना, और अगर आपको लगता है कि नहीं, तो आई वुड आल्सो लव टू लिसन टू योर रिपोर्टर। अब गति शक्ति जैसे कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट्स को साइड में रखें ना, तो सरकार की एक और एक डार्क स्ट्रेटेजी है जिसे ऑपोजिशन और मीडिया काफी कोस रहे हैं। ऑपोजिशन के एलिगेशन है कि सेंट्रल एजेंसी जैसे ED से डराकर या ऑपोजिशन पार्टीज के MPs और MLAs को पैसे देकर BJP कॉम्पिटिशन को खत्म कर रही है और सिंगल पार्टी रूल ला रही है। BJP ज्वाइन करते ही करप्ट लीडर्स के सारे घोटाले माफ हो जाते हैं, ये भी एलिगेशन है। जैसे ममता बैनर्जी ने BJP को भाजपा वॉशिंग मशीन बोला, जो सारे करप्ट पॉलिटिशियंस के दाग चुटकियों में धो देता है। सो यहाँ पर पूरी सच्चाई क्या है कि क्या BJP वाकई में ऐसा सब कर रही है? इज इट एक्चुअली अनफेयरली किलिंग कॉम्पिटिशन? और क्या भारत में आगे जाकर वन पार्टी का ही डोमिनेशन होने वाला है? वेल, इस पूरे मुद्दे को हमने काफी डेप्थ में एक 28 मिनट के वीडियो में कवर किया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो, आपको पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो समझ में आ जाएगा। यहां पर आई बटन पर वो वीडियो आ जाएगा। एक चीज है जो गति शक्ति आप जैसे एस्पायरिंग या एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए फिक्स नहीं करने वाली, विच इज टेकिंग योर बिजनेस ऑनलाइन। और इसीलिए आपको ही ये इनिशिएटिव लेना होगा, जिसके लिए ही तो उडू आपकी मदद में हाजिर है। डोंट फॉरगेट, उडू एक ओपन सोर्स ERP प्लेटफॉर्म है जो आपके ई-कॉमर्स, CRM, सेल्स, अकाउंटिंग, इन्वेंटरी, मैन्युफैक्चरिंग और बहुत कुछ सब एक जगह पर मैनेज कर देगा, फुल्ली इंटीग्रेटेड। प्लस इसी प्लेटफॉर्म से आप अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट भी फ्री में बना सकते हो विद जीरो कोडिंग नॉलेज। प्लस उडू इज 101% कस्टमाइजेबल और इस पर आपको मिलेगा एक फ्री कस्टम डोमेन विद फुल 1 ईयर और अनलिमिटेड वेबसाइट होस्टिंग विद कस्टमर सपोर्ट फॉर लाइफ, जो किसी भी स्टार्टअप के लिए गेम चेंजर हो सकता है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट उडू, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, टेक केयर। जय हिंद।